मिस्टर लोनली, आई एम मिस्टर लोनली। 20वीं सदी का सबसे सुपरहिट हॉलीवुड का एक सॉन्ग जिसने इंडिया के ऑलमोस्ट 70% बच्चों को, लड़कों को अपने कब्जे में ले लिया था इस गाने ने। और ये गाने की रिंगटोन बना करके हम अपने आप को बहुत सुपर समझते थे। आज 2024 में ऐसी क्या बात हो गई कि मैं इस गाने के बारे में बोलना चाह रहा हूं कि मिस्टर लोनली अकेले रहो, आप सबसे अकेले हो। उस समय एक प्रकार से इस गाने को ये सोचते थे कि ये गाना मैं अकेला हो गया हूं और मैं बहुत दुखी हूं, मिस्टर लोनली बन गया हूं मैं। लेकिन आज 2024 में मिस्टर लोनली बनना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो के माध्यम से कहानी और सुनाऊंगा और बताऊंगा कि कहानी आपके माइंड को किस तरीके से चेंज कर देगी। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अपने साथ महसूस करवाते होंगे कि वो आपके साथ हैं। एक्चुअली वो लोग आपके साथ तो होते हैं लेकिन आपके पास नहीं होते। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के बीच में घिरे होते हो लेकिन वो किस तरीके से आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप उनको समझदार ना समझते हुए अपनी ज्ञान की अपने ज्ञान का भंडार उनके साथ शेयर करके आप सोचते हो कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी इंसान हूं। बात को बहुत ध्यान से समझना, अगले 4 से 5 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत वाइटल मिनट्स होने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन में 2024 के अंदर कोई भी इंसान किसी के अच्छे के लिए नहीं सोचता, चाहे भाई, बंधु, सगे संबंधी, कोई भी नहीं। लेकिन आज आपको इस 2024 में आपके लिए कोई भी अच्छा नहीं सोचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली होती है जो आपके लिए अच्छा सोच सकती है। लेकिन आज इस कहानी का मैं कुछ शीर्षक आपको देना चाहता हूं कि एक धनवान व्यक्ति था, क्योंकि गांव में रहा करता था और उस गांव का वो एक प्रकार से बहुत अमीर इंसान था, पैसे की कमी नहीं थी और उसकी उस गांव के अंदर बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी और उसको अपना मित्र बता करके बहुत से लोग उसके पास आते थे और वो भी उनको बहुत अच्छे तरीके से संवेदनशीलता के साथ उनके साथ मिलता था और कोई भी उसको अपनी परेशानी बताता तो उस परेशानी को वो सोल्यूशन देने के मूड में रहता और उनकी पूरी हेल्प करता। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही कोई भी उसका मित्र उसके पास जाता, उसको पैसे की जरूरत होती तो वो उसको पैसा दे देता, उसको किसी भी चीज की जरूरत होती वो सब कुछ उसको देता। लेकिन इसी बीच जब बाहर कहीं आपस में 4 लोग खड़े होते तो उसकी आलोचना करते कि कैसे हम लोग उसको बेवकूफ बना रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी दिखाओ, इमोशनली उसके साथ बात करो और वो हमारी हर हाल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता। और ये बात उसी के किसी घनिष्ठ मित्र ने सुन ली। अब हुआ क्या कि एक्चुअली वो जो इंसान धनवान व्यक्ति था वो था तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन उसको ये लगता कि जो मित्र हैं ये मेरे बहुत सगे मित्र हैं, इमोशनल हैं, मैं इनके लिए इमोशनल हूं और मैं इनकी पूरी हेल्प करना चाहता हूं। और इसी बीच वो अपने ज्ञान की बाढ़ गंगा उनको देता भी और ये सोचता कि चलो मेरे अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान है और मैं सबकी हेल्प करता हूं। तो ये बात जब उसके किसी घनिष्ठ मित्र ने सुनी और ये जा करके उसकी हवेली में उसके साथ बैठ करके बात करके सब कुछ बता दिया कि यार जिन भी लोगों की तू हेल्प करता है ना वो इंसान तेरे को बाहर जा करके नेगेटिव बोलते हैं। इस बात को ध्यान से समझना कि वो ऐसे इंसान थे जो उससे अपनी हेल्प लेते थे लेकिन बाहर जाके उसकी आलोचना करते थे। अब उसने क्या किया कि चलो ठीक है, इस सारी बातों को समझा और उसने किया क्या कि वो अब उन लोगों से मिलना धीरे धीरे कम करता गया। हवेली के बाहर भी उसको रोक लिया जाता, मतलब जो भी उसके पास मित्र आता उसको रोक लिया जाता और उसको बोल दिया जाता कि साहब आज नहीं मिल पाए। ऐसे करते करते लोग बागों ने आना भी बहुत कम कर दिया। अब इसी बीच जो इंसान 100, 150, 200, 1000 लोगों के बीच में गिरा रहे, अपना ज्ञान देता रहे, तो अब उसके माइंड में एक चीज आ गई कि यार मैं अकेला तो रह नहीं सकता। तो उसने क्या किया, सत्संग जाना शुरू कर दिया और वहां पे उसको मन की शांति बहुत मिलने लग गई, उसको बहुत अच्छा लगने लगा। और इसी बीच उसको ऐसा लगा कि ये ज्ञान तो मैं भी दे सकता हूं, इससे ज्यादा ज्ञान मेरे अंदर है। एक दिन हुआ क्या कि किसी बहुत बड़े संत बाबा उस गांव में आने थे और वो गांव पूरा उस संत का कायल था
क्योंकि जैसा जैसा वो संत कहते हैं वैसा वैसा गांव वाले झट से कर लेते हैं। अब उसने सोचा चलो ये मौका बहुत अच्छा है अपनी ज्ञानवर्धक बातें उन तक पहुंचाने का, और इस बाबा से मैं वार्तालाप करूंगा, इसी में मैं जीत जाऊंगा और लोगों को पता लग जाएगा कि असली ज्ञानी है कौन। अब हुआ क्या कि उनका सत्संग स्टार्ट हो गया। अब करते करते इसी बीच ये खड़े होते हैं और अपनी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा करते हैं और सोचते हैं कि मैं कहीं ना कहीं मान लूंगा। लेकिन जितनी बार भी वो खड़े होते उतनी बारी वो बाबा बहुत शांति से उसको नम्र करने की कोशिश करते, बैठने की कोशिश करते। अब ये जितना एक्साइटेड होते क्वेश्चन को लेकर उतना ही शांत हो जाते। तो ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया, शाम का समय आ गया। अब जब बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा मैं कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था और आपसे कुछ बात करना चाह रहा था लेकिन आपने किसी भी चीज का आंसर नहीं दिया। अब उसको ये लग रहा था, उस धनवान व्यक्ति को लग रहा था कि बाबा शायद उससे डरता है और इसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता जिससे कि उसके भक्त में उसकी आलोचना होगी। और इसी बीच वो खुश भी हो गया कि जब मैंने क्वेश्चन पूछा या कोई भी प्रश्न पूछा उसका बाबा ने आंसर नहीं दिया तो मैं यहां जीत रहा हूं। उसने अपनी मनी मन अपनी जीत हासिल कर ली और बना ली। तो एक बाबा का आंसर सुन करके वो बिल्कुल भौचक्का रह गया। अब भौचक्का कैसे रह गया इस बात को बहुत ध्यान से समझ। बाबा से जब वो ये पूछता है कि मैं आप पे प्रश्नों के अवार कर रहा था उसी बीच आपने किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो उसने उन बाबा ने बोला कि मैं अपने अकेलेपन को बहुत ज्यादा महसूस इंजॉय कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा खुश था अपने अकेलेपन में और मैं इन सभी चीजों का आंसर ज्यादा देना पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारी बातों को समझ गया था, मैं तुम्हारी सोच को समझ गया था पहले ही कि तुम इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम अच्छे बन सको। अब वो ये बात सोच करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक इंसान अकेला रह करके इतना खुश हो जाता है। आज की डेट में आपके पास थोड़ा भी ज्ञान आ जाए तो आप चार लोगों में बांटे बिना रह नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी के अंदर नहीं होता। लेकिन असली ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अपने आप को शांत कर लेना, अननेसेसरी किसी भी डिबेट के अंदर घुसना नहीं, और साथ ही साथ अगर आप उसके अंदर घुसते हो तो उसका कोई स्पेसिफिक आपको तर्क पता हो जिसमें आपकी बातों की वैल्यू बढ़े। तो अपने आप को अकेला रहना स्टार्ट कर दो क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको बहुत ज्ञान होगा और किसी भी इंसान को ये पता लगेगा कि इससे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब मैंने अगर बाई चांस इससे बात कर ली तो हो सकता है वो मेरे ऊपर ही उल्टा भारी पड़ जाए। तो दोस्तों अकेला रहना बहुत खराब चीज नहीं है, लोगों के साथ रहो, लेकिन अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर लो जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव हो, और पॉजिटिव लोगों के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दो और ज्यादातर समय कोशिश करो अपने आप में बिताने की कोशिश, जिससे कि आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। मिलते हैं कल फिर से अपनी एक और नई वीडियो के साथ। जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।